हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विदितास कॉर्नर। मैं हूँ विदिता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मंडे टू फ्राइडे किड्स लंच बॉक्स की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जिसे बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी होगा, स्वाद और सेहत से भरपूर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मंडे की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मजेदार रेसिपी, पनीर मायो रोल की रेसिपी से। इसे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाऊंगी, बहुत मज़ेदार और सारे बच्चों की फेवरेट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है गेहूं का आटा, 1 कप लिया है मैंने। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और साथ ही मैंने यहाँ बिल्कुल थोड़े से, जैसा कि आप देख सकते हैं, आधे चम्मच से भी कम घी डाला है। आप यहाँ पर ऑयल भी डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे का एक बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा, जैसे रोटी बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए डो तैयार करते हैं, उस तरीके का डो हमें तैयार कर लेना है। डो बनकर तैयार है तो इसे मैं अभी 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं 1 कप में इतना सा पानी रह गया है हमारा डो बनाने में। यहाँ मैंने तवा को गर्म किया है और इस पर डाला है थोड़ा सा बटर। बटर की जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं। पनीर के कुछ टुकड़े लिए हैं मैंने इस तरीके से काट के, और इन्हें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। पनीर फ्राई होकर रेडी है। यहाँ मैंने लिया है एक बोल जिसमें मैं डाल रही हूँ मेयोनीज, लगभग 1 चम्मच। आप अपने पसंद का कोई सा भी फ्लेवर मेयोनीज ले लें। यहाँ मैंने लिया है टोमेटो केचप, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। आप चाहें तो थोड़े से ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। चाट मसाला मैंने ऐड किया है, साथ ही मैंने काला नमक, कुकुम्बर बिल्कुल फाइन चॉप करके, और इन्हें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने जो यहाँ फ्राइड पनीर रखे हैं उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इन पनीर को क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ हमारा मिक्सचर भी रेडी है। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं, तो अब मैं रोल के लिए पराठे रेडी करूँगी। एक बार इसे अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लें। काफ़ी स्मूथ हो गया है आटा, तो चलिए सबसे पहले इसकी हम लोइयां बना लेते हैं। जैसे रोटी की लोइयां बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे, पर थोड़ी बड़ी बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पराठा रोटी से थोड़ा सा मोटा बनाना है। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 रोल बनाना है। तो आप देख सकते हैं 1 कप में 2 रोल बनाने के बाद इतना आटा लेफ्ट है, तो यहाँ 4 से 5 रोल आप बना सकते हैं 1 कप आटा में। बस इसे नॉर्मल रोटियों की तरह बेल लेंगे, रोटियों से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा बेलेंगे, वरना जब हम इसमें स्टफिंग करेंगे तो इसमें से ये बहुत ही पतला हो जाएगा और फट जाएगा। तो यहाँ कुछ इस तरीके का थोड़ा सा मोटा सा मैंने बेल कर तैयार कर लिया। दूसरा पराठा भी इसी तरीके से मैंने बेल के तैयार कर लिया है। आप चाहें तो लच्छा वाला पराठा भी बना सकते हैं, पर ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है तो इतना टाइम नहीं होता, और प्लस इतना हैवी भी नहीं खाने का मन करता, तो इसलिए मैंने इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाया है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे सेक लेना है दोनों तरफ से। जब एक बार ये बिल्कुल अच्छे से सिक जाए तो सिर्फ कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाल के और इसे सॉफ्ट कर लेना है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमेशा बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कोशिश किया है मैंने कि बहुत कम से कम तेल में बनाऊँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पराठा सिक कर तैयार है। इसे निकाल लेंगे। यहाँ मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया है, इसे भी बिल्कुल इसी तरीके से सेक कर और तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छे से दूसरा पराठा भी हमारा बनकर तैयार है, तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं और हम इसमें करते हैं स्टफिंग। तो यहाँ मैंने एक पराठा ले लिया है एक प्लेट में इस तरीके से, और जो स्टफिंग रेडी करके रखा है मेयोनीज और पनीर की, उसे इस तरीके से डालते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ये नीचे से लीक करने लगेगा, तो इसके बीच में डालते हुए इसको हल्के हाथों से रोल कर देंगे। तो बस बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने सिल्वर फॉइल लिया है जिसे मैं इसे नीचे से अच्छे से रैप कर दूंगी, ताकि जब बच्चे इसे खाए तो ये नीचे से लीक ना करे। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अगेन पराठा ले लिया है, इसमें मैंने डाला है पनीर मायो, और बस इसे रैप कर लेंगे और इसे सिल्वर फॉइल से कवर कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब मायो पनीर रोल बनकर तैयार है। ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। सुपर हेल्दी एंड टेस्टी पनीर मायो रोल।
आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पूरी। आलू पूरी एक ऐसी रेसिपी है जो बनाने में बहुत ही आसान है और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद से खाते हैं। मेरे बेटे की तो ये फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है गेहूँ का आटा 1 कप, थोड़े से मंगरेल और अजवाइन लिए हैं मैंने, नमक लिया है मैंने स्वाद के अनुसार, ऑयल लिया है 1/2 छोटी चम्मच। यहाँ मैंने 2 उबले हुए आलू रखे हैं जिसे मैं मैश करके डालूंगी। आप चाहे तो इसे घिस के भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लेना है जिससे आलू बिल्कुल अच्छे से मैश हो के और आटे में मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसे डो बनाना है। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके और एक सॉफ्ट सा डो, जैसे पूड़ी बनाने के लिए नॉर्मल पूड़ी रोटी या पराठे वगैरह के लिए बनाते हैं वैसा सा बनाएंगे। इसे ढक देंगे। देख सकते हैं आप, बहुत ही कम पानी का यूज़ किया है मैंने। 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए अब हम पूड़ियाँ बनाते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है पूड़ियों को बेलने के लिए। तो यहाँ मैंने लोइयाँ बना ली हैं। मैंने यहाँ बड़ा सा लोई बना लिया है और इसे मैं एक ही बार में बेल के और इसे मैं कटिंग कर लूँगी। आप चाहे तो छोटे छोटे पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, पर ये बच्चों के लिए है तो ये जितना स्वादिष्ट होना चाहिए ये दिखने में भी उतना ही सुंदर होना चाहिए, तो ही बच्चे इसे पसंद से खाएंगे। तो किसी शार्प एज वाले बर्तन को लेकर बोल हो या ग्लास हो, इस तरीके से पूड़ियों को काट लें। इससे ये देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, और खाने में तो ये अच्छे हैं ही। इन्हें मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। इसी तरीके से फिर से एक बार बेल के और उसमें से हम पूड़ियाँ काट लेंगे। तो यहाँ पूड़ियाँ तैयार हैं, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इन्हें एक एक करके फ्राई करना है, बिल्कुल कुछ सेकंड लगते हैं। बहुत ही अच्छे से पूड़ी झटपट फ्राई हो जाता है। ध्यान रहे ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। अगर आपके बच्चे स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पूड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं, पर मेरा बच्चा नहीं खाता है स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। ये ऐसी पूड़ियाँ हैं जो स्कूल नहीं जाने वाले जो बच्चे हैं छोटे, उन्हें भी आप बना के देंगे तो वो बहुत आराम से इसे खा लेंगे। सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं, इन्हें हम सर्व करते हैं। यहाँ मैंने रखा है सिल्वर फॉइल और उसमें एक एक करके सारी पूरियों को रख देंगे। आप चाहे तो कुछ सैलड के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, या अगर कैचअप या अचार वगैरह आपके बच्चे को पसंद हो तो उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। मैं इन्हें सिंपली सर्व करती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा सिंपली खाता है। ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनेंगी। वेंसडे की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी, रवा इडली की रेसिपी से। इडली मोस्टली सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, पर एक बार आप रवा इडली इस तरीके से बनाकर देखें, बच्चे और भी फैन हो जाएंगे इस इडली के। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप सूजी लिया है, रवा कोई सी भी रवा ले लें आप। 1/4 कप दही लिया है मैंने, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, ग्रीन कोरिएंडर डाले हैं मैंने, थोड़े से कैरेट भी अगर आप चाहें तो घिस कर डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ डाला है पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। यह मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा और पानी, क्योंकि सूजी एब्जॉर्ब करेगा पानी को और फिर ये अच्छे से फूल कर तैयार होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा से और पानी डाले हैं। और अब मैं इसे ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुकी है सूजी। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से और पानी, बिल्कुल पॉरिंग कंसिस्टेंसी का बनाना है, जैसे एक परफेक्ट बैटर होता है इडली का उस तरीके से, तो उसी अकॉर्डिंग आप पानी डाल लें और बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब स्टीम करना है उसके जस्ट पहले मैंने यहाँ डाला है इनो, ये एक छोटा सा पाउच है जिसे मैंने इसमें डाला है। कुछ ड्रॉप्स पानी के डालेंगे जिससे ये एक्टिव हो जाएगा और इसे झटपट से मिक्स करके और स्टीम करने के लिए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है इडली स्टैंड, कुछ बूंदे मैंने ऑयल की डाली हैं इस तरीके से, जिससे इडली इसमें चिपकेगा नहीं। अब मैंने जो बैटर रेडी करके रखा है उसे इस तरीके से स्पून से थोड़े थोड़े करके डालती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं डालें क्योंकि जब ये कुक हो जाती है तो ये काफ़ी फूल जाती है इडली और थोड़ी ऊपर आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ के और इस तरीके से स्टैंड को फुल कर दें।
अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप सब्जी प्लेट में या किसी छोटे से बोल में भी इडली को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ सारे इडली स्टैंड में मैंने बैटर डाल लिया है। पानी पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। एक हैवी बॉटम वाले पैन में एक गिलास पानी रखा है मैंने। आप चाहे तो कुकर में भी रख सकते हैं और इसे इडली रख के और इसे ढक देना है। सिर्फ 10 मिनट तक इसे स्टीम करना है मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं इडली बनकर तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये आसानी से निकलेगा, चिपकेगा नहीं। तो यहाँ मेरा इडली ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये बाहर निकल रहा है। बहुत ही परफेक्ट इडली बनकर तैयार हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस इडली को भी सिंपली ग्रीन चटनी के साथ खाएं, जो दही और कोरिएंडर वाली ग्रीन चटनी होती है, बहुत डिलीशियस लगती है। पर बच्चे मोस्टली चटनी वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ इसे बटर में सेका है। तो यहाँ मैंने लिया है एक तवा, जिस पे मैंने डाले हैं कुछ बटर, साथ ही थोड़े से करी लीव्स, कुछ दाने मैंने सरसों के डाले हैं, मस्टर्ड सीड के, बहुत कम, थोड़े से, क्योंकि बच्चे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं करते। और यहाँ मैं एक एक करके सारे इडली को इस तरीके से सेंक दूंगी। तो बस एक एक करके सारे इडली को आप इस पे रख दें और बस एक तरफ से सिक जाने के बाद दूसरी तरफ से इसे सेक दें, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इडली बनकर तैयार है, आप इसे सर्व करें। आप अपने बच्चे के मनपसंद किसी भी चीज़ के साथ, केचप के साथ, चटनी के साथ, सांभर के साथ इस इडली को सर्व करें। एक बार आप ये इडली की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपके बच्चे को ये इडली कैसी लगी। आज बनाते हैं मीठा चीला। मोस्टली बच्चे मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है और बहुत हेल्दी ऑप्शन है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा, ये 2/3 कप है। यहाँ मैंने लिया है चीनी, ये 1/4 कप है। इसे मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ लिया है पानी, ये टोटली ऑप्शनल है, मिल्क पाउडर है। टेस्ट को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। आप चाहें तो मिल्क पाउडर लें या नॉर्मल मिल्क भी डाल सकते हैं, या आप सिर्फ पानी में भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी इलायची ले ली है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे को पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जो मैंने यूज़ नहीं किया है। तो चलिए अब इसे मिक्स करते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया आटा, मैं डाल रही हूँ चीनी। अगर आपके पास पाउडर चीनी है जो पिसा हुआ है तो वो और अच्छा है, क्योंकि वो जल्दी मिक्स हो जाएगा तो और भी कम टाइम लगेगा। मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर, इन सबको एक बार पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से। अब मैं थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार करूंगी। कुछ इस तरीके का बैटर बनाना है हमें, बिल्कुल स्मूथ सा, बहुत ज़्यादा थिक और थिन नहीं बनाना है, मीडियम सा बैटर बनाना है हमें। तो बैटर तैयार है, तो चलिए अब हम बनाते हैं। यहाँ मैंने पैन को गर्म कर लिया है और उस पर डाला है थोड़ा सा घी। यहाँ बैटर को एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ मैंने डाला बैटर। इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, बहुत ज़्यादा इसे नहीं फैलाना है, क्योंकि ये चीला बिल्कुल सॉफ्ट सा बनता है। हमें इसे डोसे की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है। जब एक तरफ से ये पक जाएगा तो ऊपर से ड्राई दिखने लगेगा, तो उस टाइम पे आप इसे उलट दें और इसी तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। थोड़ा सा और घी डाल रही हूँ मैं यहाँ, और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लें। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पक चुका है ये। तो यहाँ चीला बनकर तैयार है, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट सा, मज़ेदार सा चीला बनकर तैयार है। सेम इसी प्रोसेस से दूसरा चीला भी हम बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरा चीला भी हमारा बनकर रेडी है। तो चलिए अब इसे पैक कर देते हैं। तो यहाँ मैंने रखा है एक फॉइल पेपर और इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। चीला के साथ और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ चीला भी इतना अच्छा लगता है, बिल्कुल मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
ये बहुत हेल्दी भी है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। आज बनाते हैं चपाती चीज रैप, जिसमें होगा चपाती, चीज, सब्जी, बटर और भी बहुत सारे कुछ होंगे। तो चलिए स्वाद और सेहत से भरपूर ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, आटे की 2 गोलियां ले ली है। आप कोई सा भी नॉर्मल आटा ले लें जो आपने रोटी के लिए गूंथा हो। मैंने यहाँ जो आलू पूरी बनाने के लिए आटा लिया था उसे ही मैंने लिया है। और यहाँ हमें इसकी एक सिंपल सी चपाती बना लेनी है, बिल्कुल सिंपल सी जो तवा रोटी होती है उस तरीके की ड्राई सी चपाती बना लेनी है। तो यहाँ मैंने चपाती बेलकर तैयार कर लिया है। चलिए इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी चपाती भी बेल लेंगे और यहाँ इसे भी अब एक प्लेट में रख लेते हैं। अब इन्हें कुक करते हैं। उसके लिए मैंने तवा रखा है, जो नॉर्मल तवा चपाती बनाते हैं उसके लिए जो तवा यूज़ करते हैं लोहे वाली, उस पर ही मैंने इसे सेका है। और एक तरफ से सिक जाने के बाद इसे उलट कर और इधर से भी सेक लेंगे। यहाँ इसमें हम भी ऑयल वगैरह बटर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसे ग्रिल करते हुए हमें बटर का यूज़ करना है, तो इसे हमें ड्राई चपाती बनानी है। तो आप देख सकते हैं चपाती बहुत अच्छे से बन चुकी है। तो चलिए अब दूसरी चपाती भी हम कुक कर लेते हैं। दूसरी चपाती भी बनकर तैयार है। तो यहाँ मैंने लिया है केचप, 2 चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं मैंने कुकुम्बर लिए हैं और गोभी फ्राई मैंने किया था तो गोभी लिया है मैंने, थोड़ा सा मेयोनीज और ब्लैक सॉल्ट लिया है। आप अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सी भी सब्जी फिल कर सकते हैं। अगर पोटैटो पसंद है तो पोटैटो डाल सकते हैं, एवोकाडो पसंद है तो एवोकाडो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से चपाती में कट लगा दी है और इस पर मैंने पूरे पे स्प्रेड किया है मेयोनीज और केचप। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ डाला है थोड़े से कुकुम्बर। इसी तरीके से डालेंगे ताकि रैप करने में हमें आसानी हो। यहाँ मैंने चीज़ का एक स्लाइस डाला है, थोड़े से गोभी फ्राई मैंने डाले हैं, बिल्कुल पिंचेस से मैंने यहाँ काला नमक डाला है, बिकॉज़ गोभी वगैरह में ऑलरेडी नमक है तो हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। बस इसे इस तरीके से रैप कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रैप होकर तैयार है। कुकुम्बर बाहर आ गया, इसे मैं इस तरीके से डाल देती हूँ। चलिए इसी तरीके से दूसरा रोटी भी हम रैप करके तैयार कर लेते हैं। अगेन मैंने केचप और मेयोनीज डाले हैं, गोभी, कुकुम्बर, चीज़, और इसे भी रैप कर देंगे। चलिए अब इन्हें ग्रिल कर लेते हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ग्रिलर लिया है, आप चाहें तो इसे तवे पे भी कर सकते हैं ग्रिल, पर यहाँ मैंने इसे ग्रिलर में इसलिए डाला है ताकि ये बहुत ज़्यादा लीक कर रहा है, तो एक बार इसे अगर प्रेस करके मैं ग्रिल कर दूंगी तो ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। यहाँ मैंने डाले हैं बटर, बटर को अच्छे से मेल्ट होने के बाद मैंने यहाँ डाला है चपाती रैप। तो यहाँ मैंने दोनों ही डाल दिए हैं, एक तरफ से सिक जाने के बाद दूसरी तरफ से सेक लेंगे। ग्रिलर को बंद कर देंगे और इसे बस कुछ सेकंड के लिए बंद करना है, जिससे चीज़ हमारा मेल्ट हो जाए और ये रैप भी अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ मैंने ग्रिलर को ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से ग्रिल भी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ चपाती रैप बनकर तैयार है। सारे बच्चों की फेवरेट होगी ये, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। जो बच्चे बर्गर खाते हैं वो इसे एक बार खा के बर्गर खाना भूल जाएंगे, और ये कितना हेल्दी है वो तो आपने देख ही लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल विनीताज कॉर्नर को सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।